हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ किस तरह से आपको फाउंडेशन लगाना है, यानी कि फाउंडेशन से पहले आपको क्या लगाना चाहिए ताकि आपकी स्किन भी डैमेज ना हो और आपका मेकअप जो है फ्लॉलेस लगे और आपका बेस जो है लॉन्ग लास्ट रहे। मेकअप आपका काला नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके के स्टेप से अगर आप करेंगे, और कलर करेक्टर किस तरह से लगाना है वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमें अपना जो फेस है वो क्लीन करना है। गंदे फेस पे कभी भी आपको मेकअप नहीं करना है, वरना आपका मेकअप जो है वो थोड़ा डल दिखता है, ब्राइटन अप नहीं लगता है। सो इसलिए आपको फेस वॉश जो भी आपको सूट करता है वो क्लीन उससे आप यूज़ करें, आपके फेस को क्लीन करें। मैंने यहाँ पे नायका का फेस वॉश यूज़ किया है, मेरी ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन है इसलिए मैं टी ट्री और नीम का फेस वॉश यूज़ करती हूँ जो कि अच्छे तरीके से सूट करता है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है सीरम। आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आप सीरम यूज़ करें, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फेशियल ऑयल जो होता है बहुत सारे लेट्स पर्पल पे या फिर अमेजोन पे मिल जाते हैं, आप वहाँ भी चेकआउट करें, नायका पे भी मिल जाते हैं। सो फेशियल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ड्राई स्किन है। मैं नियासिनामाइड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, अर्बन बोटानिक्स का, जो कि अच्छा खासा है और मेरे जो पिंपल ओपन पोर है उस पर बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र। इन सबको लगाने के बाद आपको 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है ताकि आपकी स्किन जो है सेट हो जाए इन सारे स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ। उसके बाद आपको मेकअप स्टार्ट करना है। अगर आप उसके ही ऊपर लगाते जाएंगे तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है मेकअप के साथ मिक्स हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने पोन्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, आपको जो भी सूट करता है आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी अच्छा है और बहुत ही अफोर्डेबल है, टीनेजर के लिए काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है। उसके बाद मैंने लिप बाम भी लगाया है। सर्दियों में तो आपको ज़रूर लिप बाम लगाना चाहिए, फटे होठों पे लिपस्टिक लगाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको अपने स्किन को प्रिपेयर कर लेना है सबसे पहले। अब आता है मेकअप, हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने के ब्यूटी का प्राइमर यूज़ किया है जो कि कलर करेक्टर का भी काम करता है, लेकिन वैसा कुछ काम नहीं करता है। ये जो मैंने यूज़ किया है बिल्कुल नॉर्मल सा प्राइमर ही है, तो आपके पास जो भी प्राइमर है आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये प्राइमर जो है बहुत ही अच्छा है, ओपन पोर के लिए भी अच्छा है, लॉन्ग लास्ट बनाते हैं आपके जो मेकअप को, और ओपन पोर को भी ये ब्लर आउट करता है, उस पर एक लेयर से बना देता है। आप चाहे तो वेट एंड वाइल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। ये बहुत कम क्वांटिटी में इसने दी हुई है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है प्राइमर का। अब उसके बाद अगर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करें। जहाँ आपके ब्लैकनेस है ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करिए, और जहाँ आपके रेडनेस है वहाँ पे ग्रीन कलर करेक्टर आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने इनसाइड प्रो का कलर करेक्टर जो है उसको लगाया है और डैब डैब करके लगाया, और फिंगर की हेल्प से ही मैं उसको ब्लेंड करूँगी। ज़्यादा आपको हटा नहीं देना है ऑरेंज कलर को, ऑरेंज कलर वैसा ही रहेगा। उसके ऊपर फिर आपको फाउंडेशन लगाना है, तो फिंगर की हेल्प से मैंने उसको डैब डैब करके थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको जो है प्रोडक्ट हटाना नहीं है। ऑरेंज थोड़ा आपको दिखना चाहिए वरना वो सेट नहीं होगा मेकअप के साथ, बिल्कुल नहीं दिखेगा कि आपका डार्क सर्कल छुपेगा नहीं। इसलिए आपका जो फाउंडेशन जब लगाते हैं तो वो ग्रे हो जाता है डार्क सर्कल पर डायरेक्ट लगाते हैं आप कंसीलर लगाते हैं। अगर कलर करेक्टर लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, ग्रे आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन जो है यूज़ किया है मेबेलिन का, और स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर यूज़ किया है ताकि मुझे ग्लोई बेस चाहिए। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको ग्लोई बेस नहीं चाहिए तो सिर्फ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन को आपको अगर फुल कवरेज चाहिए तो इस तरह से फिंगर की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से थोड़ी सी एक थिन लेयर आपको बना लेनी है पूरे फेस पे, और उसके बाद आप जब ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से वो ब्लेंड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मॉइस्ट ब्यूटी ब्लेंडर को आपको ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से, और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि ये मैंने बहुत हैवी कवरेज वाला आपको मेकअप लुक दिखाया है। नेचुरल में तो आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम ये सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैवी मेकअप अगर आप लगाते हैं तो फिर आपको इस तरीके से बेस मेकअप जो है करना पड़ेगा, उससे पहले आपको स्किन केयर करना पड़ेगा। ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप धीरे धीरे आराम से ब्लेंड करते रहें वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा बेस मेकअप।
तो अब मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रोल स्टिक जो यूज़ किया NYB का कॉन्ट्रोल स्टिक है, और कंसीलर जो यूज़ किया है वो है ब्लू हेवन का SD कंसीलर, जो कि अच्छा खासा काम देता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको पर्पल पे मिल जाएगा। और ब्लू हेवन तो आपको हर जगह मिल जाता है, अवेलेबल बहुत इजीली होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे इतने डार्क सर्कल है नहीं, तो अच्छा खासा काम कर जाता है। और उसके बाद ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट मैं यूज़ करती हूँ ब्लू हेवन का, मेरे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि मेरी बहुत ऑयली स्किन है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन पेंसिल यूज़ की है, ये कौन सी है, कलर 21 कलर ट्रेंड ऐसा कुछ था, और अच्छा है, डार्क ब्राउन भी अगर आप चाहते हो तो नेचुरल लगता है, वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको आई मेकअप की तरफ हम चलते हैं। आई मेकअप के लिए मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन लिया शेड, उसके बाद डार्क ब्राउन शेड लिया है। इस बार आई मेकअप जो परफेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में थी और बेबी को जो है वो खाना भी खिलाना था, तो गलत टाइमिंग में मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। सो इसलिए अब मैंने रेड कलर को अच्छी तरीके से अपने आईलिड पर लगा लिया है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे वाइट काजल मैंने लगा लिया है। और मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया है मेबेलिन क्लॉजल का काजल, लेकिन यहाँ पे लाइनर मेबेलिन क्लॉजल का मस्कारा सॉरी। और उसके बाद लाइनर जो है कोई ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि थोड़ा सा मॉडर्न लुक की तरफ हम जाएंगे, तो इसलिए मैंने मुझे नहीं लगा इस आई मेकअप के साथ हमें करना चाहिए लगाना चाहिए लाइनर, तो आप चाहे तो लगा सकते हैं। उसके बाद ग्लैम 21 का मैंने यूज़ किया है यहाँ पे हाइलाइटर, जो कि बहुत ही अच्छा है, पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा शाइन देता है, बहुत नेचुरल ग्लोई भी लगता है। कुछ इस तरीके से मैंने उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। आप बाद में फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर लीजिए, बहुत अच्छा ये वाला आपको लगेगा हाइलाइटर। उसके बाद मांग टीका को सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना जो मेकअप है वो कंप्लीट कर लिया है। सेटिंग स्प्रे मैंने स्विस ब्यूटी का यूज़ किया है। अब आपका मेकअप जो है वैसा ही रहेगा, बिल्कुल टस से मस नहीं होने वाला है। इस तरह का अगर आप मेकअप करेंगे स्टेप वाइज स्किन केयर करके, तो आपकी जो फेस है वो ब्राइटन भी लगेगी, मेकअप काला भी नहीं होगा और लॉन्ग लास्ट भी होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।